शुरू करता हूँ, लेकिन आप क्लास को लीव नहीं करना, प्लीज चार्ज करके रखा करो। हाँ चलो, मैं एक चीज पहले ही आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कल, अब कल नहीं मतलब मोस्टली अब हर सैटरडे संडे को हम ऐसा करा करेंगे, ताकि मैं पुराने वाला टॉपिक रिवाइज भी करवा सकूं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग पुराने वाला पार्ट हर बच्चा नहीं कर पा रहा है, आसान से आसान चैप्टर भी, जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट था हमारा। अब हम सुबह कल 7 बजे भी क्लास लगाएंगे एक, और जो ये इस टाइम की जो क्लास है वो तो हमारी क्लास चलेगी ही चलेगी, ये टाइम चेंज नहीं हो रहा, ये टाइम चेंज सेम रहेगा, लेकिन मॉर्निंग 7 AM 7:15 कर लेते हैं, चलो 7:15 मॉर्निंग 7:15 AM हम अपनी क्लास लगाएंगे कल एक, तो प्लीज बी ऑन टाइम। सर ये कुछ जी ज्यादा जल्दी नहीं है, बाहर ना स्टेडियम में जाना होता है। विशाल, लगा लेते हैं, कल एक दिन की बात है, प्लीज एक दिन के लिए, एक बार ठीक है सर। कल कल के लिए तो एडजस्ट कर लो, फिर मैं देखता हूँ टाइमिंग का दूसरा स्लॉट, क्योंकि कल ठीक तो है, आपकी स्कूल की क्लासेस भी नहीं है ना विशाल, यस सर, ठीक तो कल कल के लिए कर लो एक बार, ठीक है? है। ओके, अब चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों वो ये कहते हैं आपको, जैसे आपको फंक्शन दे रखा है x² - 6x + 3, या आपके पास फंक्शन दे रखा है, कहते हैं चेक करो इस इंटरवल के अंदर, यहाँ पे 4 है और ये 6 है। अब आप एक चीज नोटिस कर रही हो, मैंने स्क्वेयर ब्रैकेट लगाया है, मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया है, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाया है। आप में से सबको पता होगा कि स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। हाँ जी यश, आप मुझे बता सकते हो कि स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब क्या है? पर इसमें केवल 4 और 6 आएंगे। नहीं, केवल 4 और 6 नहीं, कहता है 4 और 6 तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा जो 4 और 6 के बीच में जो अक्षर आएंगे वो भी आएंगे। सुन रहे हो मैंने क्या कहा? जब भी क्लोज ब्रैकेट होता है तो उसका मतलब ये होता है आपका कि जो 4 और 6 है वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके बीच वाले नंबर भी आएंगे। अगर मेरे पास यहाँ ओपन ब्रैकेट होता बच्चों, ओपन ब्रैकेट का काम खाली क्या होता है, ओपन ब्रैकेट आपको ये कहता है खाली इसके बीच वाले नंबर आएंगे, 4 और 6 के बीच वाले नंबर आएंगे, ना 4 आएगा ना 6 आएगा। क्लियर हो गया मेरे पास स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब क्या है? अब मेरी बात को सुनिएगा, स्क्वेयर ब्रैकेट का हमको मतलब क्लियर हो गया अब, और ओपन ब्रैकेट का क्लियर है ना सबको? अब यश, कंफ्यूजन दूर हो गई है? यस सर, ओके, अब पहला काम तो मैंने क्या कहा, सबसे बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, क्या आएगा मेरे पास 2x - 6, 2x - 6 आएगा मेरे पास। मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग है, उसने चेक करने के लिए इंक्रीजिंग का नाम लिया, डिक्रीजिंग का नाम नहीं लिया। अगर डिक्रीजिंग का नाम लेता तो मेरे को करना पड़ता कि भाई डिक्रीजिंग है या नहीं, उसने मुझे क्या कहा है, खाली इंक्रीजिंग के लिए चेक करो। आपको देखो एक बात बताओ, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ f'x should be greater than 0, तो f'x की वैल्यू क्या है, 2x - 6 should be greater than 0, आपके पास ही -6 उधर जाके प्लस हो गया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आ गया x मेरे पास 3 से बड़ा है, x मेरे पास 3 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, कहता है ये फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग तो होगा, कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 3 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब एक बात बताओ, इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी 4, 5, 6 या 4.5, 5.5 कुछ भी, क्या वो सारी वैल्यूज मेरे पास 4 से बड़ी हैं? यस, सर, ये क्या वो गिवन है, एफ सारे, डैश एक्स इज ग्रेटर देन, हाँ जी F'(x)≥0 गिवन है सर ये। एक्स डैश, नहीं, वो आपको उसने ये कहा है कि आपको ये प्रूव करना है
कि ये मेरे पास, सॉरी चेक करना है, नॉट प्रूफ, चेक करना है कि क्या मेरे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब एक बात बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके सर, सबको आ गया। और आप देखते हो कि तीन से बड़ी जो भी वैल्यू आएगी वो चार पांच से साढ़े चार साढ़े पांच कोई भी वैल्यू लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या होगी, तीन से बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन मेरे पास क्या है, इंक्रीजिंग है एट द गिवन इंटरवल। ये क्लियर हो गया सभी को? यस यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है गुड। अब आपके पास जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये कहता है एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स के इक्वल। आपको ये बताना है कि क्या ये फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आपको बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है मेरे पास। अब एक बात बताना, पहला काम तो मैंने डिफ्रेंशिएशन लिया भैया, एक्स का तो वन होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, साइन एक्स का मेरे पास कॉस ऑफ एक्स होता है, बोलो यस और नो, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझको, क्या कॉस की वैल्यू कभी नेगेटिव आती है आपके पास, कॉस एक्स की वैल्यू कभी? नो सर, आती है। मैं ये सुनना चाहता था, बच्चे कहेंगे कि नो, अब मेरी बात को सुनिएगा, इसके पीछे का कंसेप्ट आपके पास मैं एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो कॉस जो है ना, कॉस की रेंज क्या होती है, माइनस वन से लेके प्लस वन तक होती है, मतलब कॉस के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो माइनस वन होगी, यानी कि ये लीस्ट वैल्यू होगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू वो होती है प्लस का वन होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कभी भी, सॉरी कॉस की जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, नेगेटिव तो आती है। कॉस 180 की बात कर लो, कॉस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस का वन होता है मेरे पास, तो वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, लेकिन उसकी वैल्यू कभी माइनस वन से छोटी नहीं हो सकती। अब मैंने वर्स्ट से वर्स्ट, बुरे से बुरा केस लेके देखा, मैंने कहा माइनस वन आ गई तो अभी मेरा रिजल्ट वन माइनस वन क्या आएगा, जीरो आएगा, वो नेगेटिव तो कभी नहीं बना। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ से, हाँ जी ठीक है, यहाँ से मेरे को एक बात पता चली, मैं बुरे से बुरा केस भी लेकर चलूं तो मेरे पास वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से कम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस दो माइनस पांच कभी कोई वैल्यू नहीं आती मेरे पास कॉस के केस में ऐसी। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया, जो ये एफ डैश एक्स आया है वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास, इंक्रीजिंग बनेगा। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में बच्चा हमेशा आंसर ठीक लिख के आएगा, मैं बता रहा हूँ, कहेगा इंक्रीजिंग है, एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हमेशा कटवा के आता है मोस्टली बच्चा, वो कह देता है कॉस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अरे भैया कैसे नहीं हो सकती कॉस की वैल्यू नेगेटिव, मैं खुद आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देने को तैयार हूँ कि मेरे पास जो कॉस 180 होता है वो माइनस का वन होता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कॉस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन इस वन की वजह से मुझे एक बात का अंदाजा हो गया, मुझे पता है कॉस की वैल्यू कभी माइनस वन से छोटी नहीं आ सकती, ना ही कॉस की वैल्यू कभी वन से बड़ी आ सकती, तो इसका आंसर अगर बुरे से बुरा केस भी लेके चलूंगा तो जीरो आएगा, जीरो से कभी छोटा नहीं जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ जी हाँ जी, यस विशाल अभी ठीक है आवाज? ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सत्यम, यश, यस सर, ओके, मोनिका, शिवानी, एवरीवन, यस, ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं।
जैसे अब आपके पास बच्चों वो ये कहता है आपके पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कहता है साइन ऑफ एक्स माइनस में बी ऑफ एक्स प्लस में सी, ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ये बी है आपके पास ठीक है, सच दैट ये फंक्शन मेरे पास डिक्रीजिंग है, सच दैट ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या है डिक्रीजिंग है, समझ गए, ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या है डिक्रीजिंग है। अब एक बात बताओ, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, डिफरेंशिएशन करना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो कॉस ऑफ एक्स, और माइनस के बी एक्स का करा तो माइनस का बी रह जाएगा, कॉन्स्टेंट यानी कि सी का तो जीरो होता है। आगे आपको क्या करना है, लेस देन जीरो के लिए करोगे, क्योंकि आपको डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है ना, डिक्रीजिंग करना है तो आप क्या करोगे, लेस देन जीरो के लिए चेक करेंगे। अब एक बात बताओ, ये कॉस ऑफ एक्स है, ये उधर जाके माइनस का बी था तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, बोलो यस और नो, यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, उसने मेरे को ये कहा आपको तो एक्स की बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, उसने मेरे को क्या कहा, बी की वैल्यू निकालनी थी आपको, मुझे एक बात बताओ, जो कोस है, कोस कोस के अंदर आपके पास वैल्यू दे रखी है, कोस की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि मैं अगर यहाँ से ये लिखना चाहूँ बी की वैल्यू क्या होगी, कोस की टर्म्स में नहीं लिखनी, अभी अभी मैंने एक चीज बताई थी, आप ये लिख सकते हो जो बी है उसकी वैल्यू वन से बड़ी आएगी हमेशा, क्यों आएगी वन से बड़ी, क्योंकि कॉस एक्स की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भैया, वन, वन, तो ये उससे बड़ी आएगी ना, मैं मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो बोलो यस और नो सर। और अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर मैक्सिमम क्यों लिया मिनिमम क्यों नहीं लिया, वो बच्चों इसलिए क्योंकि उसने डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए कहा, अगर डिक्रीजिंग में मैं लीस्ट वाला ले लूंगा तो कोई काम नहीं बनेगा ना, मुझे तो बुरे से बुरा केस लेके चलना है, तो बुरे से बुरा केस है ना जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए, ये चीज क्लियर हो गई, बोलो यस और नो, यस सर। ओके मोनिका, आप एग्जैक्टली दो नहीं कह सकते क्योंकि पॉइंटों में भी आ सकती है ना, हम सब कुछ यहाँ पे रियल नंबर, यस सर, टू या टू से ज्यादा हो सकता है। हाँ जी सर, उससे ज्यादा हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में भी आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए मुझे एक एक सेकंड का टाइम दो, एक सेकंड में अपना इंटरनेट कनेक्शन चार्जिंग में लगा दो, एक सेकंड को, अच्छा ये आप सबको पता ही होगा कि क्लास अगर मेरे पास बंद हो जाती है एक बार के लिए तो हमें क्या करना है बच्चों, कल वैसे भी सर सर कल भी लोगे आप सुबह सर, एक सेकंड यस सर, अब मत लेना, एक सेकंड चलो देखते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी तो कर लो जब तक ये क्लास चल रही है। ओके अभी देखो, अभी तक तो बच्चों हमने क्या देखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अच्छा एक इंटरवल को निकालने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो कहता है e की पावर 2x है, प्रूव कर दो कि ये मेरे पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूव कर दो कि ये मेरे पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक बात बताओ, पहला काम तो डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x का e की पावर 2x रहेगा, 2x का करा तो 2 आ गया, अब 2 तो कॉन्स्टेंट है,
अरे मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर ना बुक में भी पता नहीं कितनी भयंकर थ्योरी लिखी हुई है, मैं कहता हूँ उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट्स की बुक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी दूसरी बुक की बात नहीं कर रहा, पर इतना इतनी बेकार की बातें लिखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। अब एक बात बताओ, ये 2x है तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ e की पावर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ये सुनो, क्योंकि आपको पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। अब मुझे पता है ये तो 2 तो कांस्टेंट है भैया, किसी का स्क्वायर होगा तो वो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता तो वो पॉजिटिव बन गया, और पॉजिटिव बन गया तो मेरे पास क्या आ गया, वो इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कि e की वैल्यू जो होती है वो 1.27 होगी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो उस कंसेप्ट को मतलब करने की बजाय मैं कहता हूँ ये कर लो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बेस्ट मेथड रहता है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का। ये सबको क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। यस ओके, यस ओके। अच्छा एक यश मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे आप कह रहे हो कि आपकी 3 o'clock जैसे टेस्ट के टाइम पे क्लास होती है, मान लो जो टेस्ट है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया, फिर आप क्या करोगे? टेस्ट तो कंप्लीट करूंगा ही सर। चलो ठीक है, मैं बस यही जानना चाहता था कर पाओगे ना टेस्ट मतलब उस टाइम आप? यस सर। हाँ क्योंकि हमारा कल टेस्ट भी है 3 बजे। ठीक है आओ सर, कल लेंथ कल टेस्ट लेंथ ही होगा इसका मतलब? नहीं मैं डिफरेंशिएशन का टेस्ट है तो मैं उसको ये कह रहा हूँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जैसे मैट्रिक्स में तो क्या होते थे ओरली आप बच्चे कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस तो आप क्या कर पाओगे सॉल्व करके देखोगे तभी मार्क कर पाओगे ना। यस सर। हाँ जी। अच्छा एक और रेथ आप लोगों को पता होगा शायद, मैं दूसरे बच्चे में भी आप यही कर रहा हूँ एमसीक्यू में, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा जनरली बच्चा क्या करता है बिना सॉल्व करे, मतलब जो क्वेश्चन विदाउट सॉल्व हुए हो ही नहीं सकते उसको भी या तो तुक्के मार के या फिर इधर उधर से करके कर देता है। तो आप जो सॉल्यूशन करोगे चाहे वो रफ पेपर पे कितनी गंदी से गंदी हैंडराइटिंग में करो, पेपर के बाद मुझे वो वाली शीट की फोटो क्लिक करके सेंड करोगे, ठीक है? अब जैसे बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा इस क्वेश्चन को तो पूरा करेंगे अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो, यही क्वेश्चन करवाऊंगा। चल अगर खत्म हो जाती है क्योंकि एक ही मीटिंग है तो एक ही मिनट रह गए तो करना जरूर ज्वाइन। ये फंक्शन दे रखा है, अभी तक आपको क्या करना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना था, अब आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव नहीं करना, अब आपको कहता है इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्या होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्या होगा। कहने का मतलब इंक्रीजिंग मेरा किस नंबर से किस नंबर के बीच में होगा और डिक्रीजिंग मेरा किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में होगा। पहला काम तो डिफरेंशिएशन करो, तो 2x प्लस में 2 आ गया मेरे पास। अब हमेशा जब भी मुझे इंटरवल निकालना होता है, मैं क्या बात कह रहा हूं, जब भी मुझको इंटरवल निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं अपने वाले डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखता हूं और यहां से मैं x की वैल्यू को निकालता हूं। जो ये x की वैल्यू निकलती है इसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। इन वैल्यूज को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं, ठीक है? अब जो ये